Hello everyone this is our second video for the parts of speech in the last video we learnt about noun and different types of nouns here in this video we will learn about pronouns and different types of pronouns first of all we'll try to understand what is a pronoun so it is a word

रीना एन इंटेलिजेंट गर्ल मतलब रीना एक होशियार लड़की है शी टॉप हर फाइनल एग्जाम्स उसने अपनी फाइनल एग्जाम में टॉप किया है तो यहाँ पे हमने शी यूज किया जो कि प्रोनाउन है किसका प्रोनाउन है नाउन रीना का ठीक है अगर हम ऐसे लिखते रीना एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड यहां भी हम रीना लिखते रीना टॉप्ड हर फाइनल एग्जाम्स उससे क्या होता जो नाउन है वो रिपीट होता राइट सो टू अवॉइड रिपीटेशन वी यूज प्रोनाउन सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल रोहन इज प्लेइंग रोहन खेल रहा है ही इज प्लेइंग फुटबॉल वो फुटबॉल खेल रहा है ठीक है रोहन खेल रहा है वो फुटबॉल खेल रहा है तो ही जो है वो है प्रोनाउन जो हमने यूज किया इन प्लेस ऑफ नाउन रोहन ठीक है रिया रिया सिया सिया मतलब और Sia को भूख लगी है दे वॉन्ट टू ईट डिनर नाउ उनको अभी डिनर करना है ठीक है दे क्यों यूज किया क्योंकि यहाँ पे दो नाउन्स है हमारे पास रिया एंड सिया तो जब एक से ज्यादा नाउन होते हैं तो उसको हम दे से रिप्लेस करते हैं ठीक है अब प्रोनाउंस जो है वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस पजेसिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस हम बारी बारी सबके बारे में जानेंगे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन इट रिफर्स टू अ अ स्पेसिफिक और थिंग्स। पर्सनल अफिकोनाउन इज अट वर्ड प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन एंड इट रिप्लेस द नाउन तो पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है एक स्पेसिफिक पर्सन या वस्तु के लिए ठीक है और वो रिप्लेस करता है प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन ठीक है तो ये सारे हैं पर्सनल प्रोनाउंस आई मी यू ही सो ऑन पर्सनल प्रोनाउंस अब सिंगुलर में और प्लुरल में हम पर्सनल प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं तो अगर हम पर्सनल प्रोनाउन ऐसा सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हम आई यूज करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हम मी यूज करेंगे जैसे आई एम प्लेइंग ठीक है तो आई हो गया पर्सनल प्रोनाउ फुटबॉल इज प्लेड बाय मी मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा हूं राइट right? वैसे ही अगर सेकेंड पर्सन है सेकेंड पर्सन में यू आता है तो वो ऐसा सब्जेक्ट भी हम यू यूज करेंगे एंड एस एन ऑब्जेक्ट भी यही यूज होगा और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही शी हर इट इट ठीक है इट भी है वो भी ऐसा सब्जेक्ट एंड ऐसा ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहेगा अब अगर हम बात करें प्लूरल में ठीक है तो फर्स्ट पर्सन यूज होगा एस वी अगर वो सब्जेक्ट है तो जैसे कि वी आर गोइंग टू अ मूवी ठीक है और अगर अस है तो दे इनवाइटेड टू दे इनवाइटेड अस टू अ पार्टी तो यहाँ पे जो अस है वो यूज हो गया एस एन ऑब्जेक्ट Second person, plural में में और you ही रहेगा, okay? and third person, plural में, they रहेगा subject and them रहेगा ठीक है जैसे आई लाइक कॉफी मुझे कॉफी पसंद है तो उसको अगर हम ऐसा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो जॉन हेल्प मी जॉन ने मेरी मदद करी ठीक है तो ऐसा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम आई यूज करेंगे और ऐसे यूज कर रहे हैं तो हम मी यूज करेंगे सिमिलरली यू डू यू लाइक कॉफी आपको कॉफी पसंद है और जॉन बीट यू जॉन ने आपको मारा ओके okay? ही है तो ही रन फर्स्ट वो तेज दौड़ता है डिड राम्स कोल्ड हिम तो हिम यूज हुआ एस एन ऑब्जेक्ट और ऐसा सब्जेक्ट ही यूज होता है ठीक है सिमिलरली शी इज क्लेवर शी यहाँ यूज हो रहा है एस सब्जेक्ट और डज मैरी नो हर हर यूज हो रहा है एस एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो अगर आपको सब्जेक्ट यूज करना है प्रोनाउन को तो आप ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे और अगर आपको एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो आप ये वाले पर्सनल प्रोनाउन्स यूज करेंगे ठीक है अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की तो इट इंडिकेट्स ओनरशिप इट इंडिकेट्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन मतलब कोई चीज इंडिकेट समू समिप है किसी की चीज है वो और उसके एग्जांपल्स हैं माय आवर योर हिज हर इट्स एंड देयर ठीक है my, our, your, his, her, its, और इसको हम इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं तो कैसे mine ours yours his hers its and theirs ऐसे हम उसको इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो आपने नोटिस किया होगा हमने हर जगह यहाँ एस लगाया है बट हमने यहाँ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया है तो जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं उसको हम एपोस्ट्रॉफी एस करके नहीं यूज करते हैं वो सिर्फ ये बताता है कि वो एक पोजेशन है नाउन का ये चीज बिलोंग करती है नाउन को मतलब कि नाउन जो भी वहां पे सब्जेक्ट है वो जैसे कि एग्जांपल्स आई का है माय और उसका इंडिपेंडेंट वर्जन है माइन तो हम कैसे यूज करेंगे दैट इज माय एप्पल द एप्पल इज माइन ठीक है ये एप्पल मेरा है ठीक है एप्पल मेरा है ओके okay? यू है तो योर और योर्स यूज करते हैं तो दीज आर योर फ्लावर्स ये आपके फ्लावर्स हैं और द फ्लावर्स आर योर्स फ्लावर्स आपके हैं ठीक है ऐसे यूज होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस जैसे कि अगर हम हर लेते हैं ठीक है और उसका इंडिपेंडेंट वर्जन है हर्स तो दैट बॉक्स इज हर प्रेजेंट ये डिब्बा उसका प्रेजेंट है द प्रेजेंट इज हर्स ये प्रेजेंट उसका है ठीक है इट्स है तो उसका दोनों में इट्स ही हम रखते हैं वो तो चेंज होता नहीं है ठीक है तो द कैट इज सिटिंग ऑन इट्स ट्री हाउस तो बिल्ली अपने ट्री हाउस पे बैठी है ओके जब वी की बात कर रहे हैं तो उसका पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर और इंडिपेंडेंटली यूज करना है तो हम यूज करते हैं अवर्स दिस इज आवर हाउस ये हमारे पोजेशन है ये हमारी बिलोंगिंग है ये घर हमारा है ठीक है और दे का देर ठीक है तो दैट इज देर हाउस ये उनका घर है ठीक है तो ऐसे यूज करते हैं हम पजेसिव प्रोनाउंस अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की

बैक अ पर्सन और थिंग तो वो रिफर करता है उसी पर्सन पे या उसी चीज पे ठीक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स नाइन टाइप्स के होते हैं जैसे कि माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट्सल्फ अवर सेल्फ योर सेल्फ एंड दैम सेल्फ ठीक है ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स अब अगर हम उसको सब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरह यूज कर रहे हैं तो हम ये सारे यूज करते हैं ठीक है और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं तो उनके लिए हम ये सब यूज करेंगे जैसे कि अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ अगर सब्जेक्ट यू है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ अगर सब्जेक्ट ही से स्टार्ट होता है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हेम सेल्फ ठीक है सिमिलरली शी के लिए हर सेल्फ इट के लिए इट सेल्फ और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वी का आवर सेल्फ्स यू का योर सेल्फ और दे का दम है मतलब अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वो सेल्फ लेगा और प्लूरल फॉर्म में है तो वो सेल्फ लेगा क्लियर तो उसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि आई बिलीव इन माई सेल्फ ठीक है तो माई सेल्फ किसके साथ यूज हो यूज हो रहा है आई के साथ ठीक है शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर उसने खुद को मिरर में देखा ठीक है हर सेल्फ है और यहां सब्जेक्ट क्या है शी तो शी का क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ ठीक है शी का हर होता है है ना तो जब उसको हम रिफ्लेक्सिव की तरह यूज करते हैं तो वो हर सेल्फ हो जाता है ओके okay? i am trying to teach myself italian with an app मतलब मैं अपने आप को इटालियन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन के जरिए ठीक है तो वो इटालियन सिखा रहा है किसको सिखा रहा है अपने आप को मतलब माय सेल्फ ठीक है एंड इट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ आई नेक्स्ट इज आवर चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल बाय देमसेल्व्स ठीक है मतलब कि ये प्लूरल फॉर्म है और यहाँ पे जो आवर है वो भी प्लूरल फॉर्म है राइट right? तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो एम्फोसाइज करते हैं जो जोर डालते हैं सब्जेक्ट के ऊपर और वो रेफर बैक करते हैं नाउन को नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस इट इंट्रोड्यूस अब ऑर्डिनेट क्लॉस और अ रिलेटिव क्लॉस ठीक है तो वो एक एक्स्ट्रा क्लॉज डालते हैं एक एक्स्ट्रा रीजनिंग डालते हैं ठीक है इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये चीज हुई जिससे कि ये हुआ ओके okay? तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं क्यों क्योंकि इट रिलेट्स टू द वर्ड दैट इट्स रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाइज मतलब कि जो रिलेटिव क्लॉज है वो मॉडिफाई करता है उसके वर्ड को ठीक है फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु फोन मी लास्ट नाइट इज माई टीचर ठीक है तो कल रात को फोन आया था किसका आया था तो उसी का आया था जो मेरे टीचर हैं ठीक है ठीके? तो हु किसको रिलेट कर रहा है पर्सन को ठीक है उसका रिलेटिव क्लॉज क्या होगा हु फोन मी लास्ट नाइट ठीक है हम ऐसे भी बोल सकते हैं द पर्सन इज माई टीचर तो विच पर्सन विच पर्सन इज योर टीचर द पर्सन हु फोन्ड मी लास्ट नाइट इज माई टीचर ठीक है इट शोज इन रिलेशन टू द वर्ड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो हैं हु विच हु एंड दैट ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं हु यूज होता है पीपल के लिए ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल द वुमन हु कॉल्ड टू बाय द हाउस तो मैं बोलू द वुमन वॉन्ट्स टू बाय द हाउस वो लेडी को घर खरीदना है तो किस लेडी को घर खरीदना है उस लेडी को जिसने कल कॉल किया था राइट समझ में आ रही है बात अगर मैं बोलू द वुमन वॉन्ट्स टू बाय द हाउस तो विच वुमन वॉन्ट्स टू बाय द हाउस द वुमन हु कॉल्ड ये इट इज अलॉस विच शोज इन टू द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ओके नाउ कमिंग टू विच विच यूज होता है थिंग्स और एनिमल्स के लिए ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल डिड यू सी द लेटर विच केम टूडे ठीक है तो मैं अगर पूछू कि आपने लेटर देखा तो मैं पूछूंगी कौन सा लेटर तो आप बोलोगे जो आज सुबह आया विच केम टूडे तो आपने वो लेटर देखा जो आज सुबह आया ओके एंड आई लव द पपी विच इज जम्पिंग एट द किचन तो अगर मैं बोलू आई लव द पपी तो कौन सा पपी आप लव करते हो तो आप बोलोगे वही जो अभी किचन में जंप कर रहा है विच इजिंग एट द किचन ठीक है तो इट शोज द रिलेशन टू द सब्जेक्ट क्लियर नेक्स्ट हुज हुज इज हुफ पीपल और एनिमल्स मतलब इंसान और पशु का कोई पजेशन मतलब ओनरशिप दिखाने के लिए यूज होता है फॉर एग्जाम्पल हीज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट ठीक है मैन आई रिस्पेक्ट हुन में रिस्पेक्ट करता हूं शी इज द स्टूडेंट हुईटिंग इज द बेस्ट इन माई क्लास तो मैं बोलूंगी कि ये वही स्टूडेंट है आप पूछोगे कौन सी स्टूडेंट है तो मैं बोलूंगी वही स्टूडेंट जिसकी हैंडराइटिंग क्लास में सबसे बेस्ट है राइट right? तो हम हुस यूज करते हैं पजेशन दिखाने के लिए ठीक है तो जो हैंडराइटिंग है वो पोजीशन किसका हुआ उस स्टूडेंट का हुआ क्लियर नेक्स्ट कम्स होम होम इज यूज फॉर पीपल व्हेन द पर्सन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क Whom तब होता है, जब पर्सन जो है वो यूज हो रहा है एस द ऑब्जेक्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल द ऑथर हम ऐसे लेते हैं द ऑथर है लेटर इन रिप्लाई मैं आपको बोल रही हूं कि ऑथर ने एक लेटर लिखा है आपको तो आप पूछोगे कौन से ऑथर ने मुझे लेटर लिखा है तो वही ऑथर जिसको आपने क्रिटिसाइज किया था मतलब जिसको आपने गलत जज किया था उसी ऑथर ने आपको लेटर लिखा है ऐसा रिप्लाई ठीक है तो ये कब यूज होता है जब पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है अब दैट दैट कब यूज होता है इट इज यूज फॉर पीपल थिंग्स एंड एनिमल्स ठीक है ये हम सबके साथ यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू द गर्ल Has sent अस अ कार्ड मैं बोल रही हूँ कि वो लड़की ने हमें कार्ड भेजा है तो कौन सी लड़की ने हमें कार्ड भेजा है वही लड़की जिसने जिसको हम फ्रांस में मिले थे द गर्ल दैट वी मेट इन फ्रांस हैज सेंट अस अ कार्ड ओके फॉर एग्जाम्पल वी लिव इन अ ग्राउंड फ्लोर फ्लैट ओके तो उससे क्या होगा जो बिजी स्ट्रीट पे खत्म होता है ठीक है हम उस स्ट्रीट में रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो स्ट्रीट बहुत बिजी रहती है ठीक है अगर मैं पूछूं डू यू लाइक द कैट तो आप पूछोगे कौन सी कैट तो वही जो अभी टेबल के नीचे सो रही है डू यू लाइक द कैट दैट इज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल ओके

ठीक है इट कैन रिप्रेजेंट वन थिंग और थिंग्स इन टू डिफरेंट वेस ठीक है तो अगर सिंगुलर है और प्लुरल है और उनका जो डिस्टेंस है वो नियर है या तो फार है मतलब हमारे जो करीब है वो नियर और हमसे जो दूर है वो फार ठीक है हमारे करीब के लिए हम यूज करेंगे दिस एंड दीज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल और जो चीज हमसे दूर है हमसे दूरी पर है उसके लिए हम सिंगुलर में यूज करेंगे दैट और प्लूरल में यूज करेंगे दोस्त ठीक है इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये हम हैं ठीक है ठीके? और ये वन चीज है एक चीज पर्टिकुलर चीज है तो हम बोलेंगे दिस ठीक है और अगर आप ये वाली चीज को देख रहे हैं और आप यहां खड़े हैं तो आपके लिए ये चीज डिस्टेंस पे है आपके लिए ये चीज फार है ठीक है तो आप इसको दैट बोलोगे दैट थिंग ओके फॉर द नियर वन यू विल से दिस थिंग एंड फॉर द फार थिंग दैट थिंग इन सिंगुलर एंड फॉर प्लूरल आप दीस थिंग्स एंड फॉर फार अवे थिंग्स यू विल से दोज थिंग्स ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं दिस टेस्ट गुड मतलब इसका टेस्ट अच्छा है तो आपको कैसे पता अच्छा है अभी आप उसको खा रहे हो वो आपके नियर में है इसीलिए आप बोल रहे हैं दिस ठीक है क्या आपने ये देखा है ठीक है ये मतलब आपके आंखों के आगे होगा या आपके नियर होगा इसीलिए ओके दीज आर बैड टाइम्स मतलब ये जो टाइम चल रहा है खराब टाइम चल रहा है ठीक है ये मतलब अभी वाला टाइम मतलब आपके नियर में हुआ राइट डू यू लाइक दीज क्या तुमको ये पसंद है ठीक है तो ये भी आपके करीब में हो, जैसे आप शॉपिंग कर रहे हैं आपके हाथ में एक ड्रेस है तो आपके साथ जो फ्रेंड चला है चॉइस करवाने वो कैसे पूछेगा डू यू लाइक दीज तो आपके हाथ में वो चीज ऑलरेडी होगी राइट तो वो आपके नियर में होगी तो आप पूछेंगे दीज राइट right? जैसे कि दैट इज ब्यूटिफुल दैट मतलब आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो आपके दूरी पर है ठीक है लुक एट दैट अरे वो चीज को देखो वो मतलब आपसे दूर है आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो दूरी पे तो आएगा दैट लुक एट दैट ठीक है Those were the डेज दोस्त मतलब पुराने वाले दिन जो अभी आपसे काफी दूरी पे है ठीक है तो those were the days. ठीक है डेज है वो प्लुरल है इसीलिए हम दोज यूज कर रहे हैं राइट कैन यू सी दो क्या आपको वो दिख रहा है जो आपसे डिस्टेंस पे है वो चीज आप देख सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज हैवियर देन दैट ठीक है ये उससे ज्यादा हैवी है ठीक है कोई दो चीज अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो जो अभी मेरे हाथ में है वो हैवियर है जो मैंने पहले उठाया था ठीक है दीज़ आर बिगर देन दो ये चीजें ज्यादा बड़ी हैं वो वाली चीजों से ठीक है तो ऐसे हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अब बात करते हैं इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस की तो इट डज डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन थिंग और अमाउंट एंड इट इस वैल्यू इज नॉट डेफेनाइट एंड इट इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड. मतलब ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक चीज़ या कोई अमाउंट हमें नहीं पता हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंग्युलर में हम यूज करते हैं अनदर एनी बडी एनी वन ईच आई द इन नी थिंग्स ओके प्लूरल में यूज होता है बोथ फ्यू मैनी अदर्स सेबरल ये सारे प्लूरल के लिए यूज होते हैं और सिंग्यूलर और प्लूरल दोनों में हम ये चीजें एस अड इनडिफेनेट प्रोनाउ हम यूज कर सकते हैं जैसे कि ऑल एनी मोर मोस्ट नन समीक है तो इंडिफाइनाइट प्रोनाउंस मतलब वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को या अमाउंट को या चीज को रेफर नहीं करते फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ डॉक्टर ठीक है ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ डॉक्टर मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास डॉक्टर अवेलेबल हैं ठीक है तो पर्टिकुलर अमाउंट हमें नहीं पता है कितने प्लेयर्स हैं कोई स्पेसिफिक नंबर या कुछ नहीं है हमारे पास तो हम यूज कर रहे हैं इच नेक्स्ट आई मेट टू गर्ल्स वन हैज गिवन मी हर फोन नंबर मतलब मैं दो लड़कियों से मिला और एक ने मुझे अपना फोन नंबर दिया अब कौन सी वाली ने दिया वो तो हमें पता ही नहीं है तो हम उस जगह यूज करेंगे वन ठीक है एस एन इनडिफाइनाइट प्रोनाउन ठीक है मैनी हैव एक्सप्रेस देयर व्यूज ठीक है बहुत लोगों ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए बट कितने लोगों ने वी डोंट नो वी आर नॉट श्योर सो वी यूज मैनी समवन इज मेकिंग नॉइस इन द क्लास कोई तो क्लास में शोर मचा रहा है पर कौन शोर कर रहा है वी आर नॉट स्पेसिफिक वी डोंट नो हमें नहीं पता तो उस जगह हम यूज करते हैं सम वन ठीक है तो ऐसे यूज करते हैं हम इनडिफाइनाइट प्रोनाउ अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू